लें जी, आखिरकार दास्तां ख़त्म हुई मोनाल की। कुछ लोगों के ख्वाब हाँ भी रह गए। काफ़ी सारे लोगों ने यह सोचा था कि अपनी यहाँ पर आकर के बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। कुछ लोगों ने यह सोचा था कि शादी के बाद आएंगे, इस्लामाबाद रुकेंगे, नॉर्दर्न एरियाज़ का टूर करेंगे और उसके बाद मोनाल पे आकर के खाना खाएंगे। कुछ लोगों ने हमारी तरह यह सोचा था कि अपनी फैमिलीज़ को लेकर के आएंगे, यहाँ बैठेंगे और यहाँ से जो व्यू होता है इस्लामाबाद का उनको दिखाएंगे, खाना खाएंगे। बड़ी प्यारी लोकेशन थी। जो भी बात है अंदर वाली, इसके अलावा बता दूं आपको कि मोनाल जब आप यहाँ पर पहुँचते थे इतनी रौनक थी, रोड की सफाई, इनका पूरा जो अमला था वो नीचे तक, आप बेशुमार दफा आए होंगे मोनाल की तरफ तो वहाँ नीचे तक खड़ा था और वहाँ से ये शुरू हो जाता था मोनाल का बोर्ड लगे हुए, खूबसूरती, किसी किस्म की आपको गंदगी नज़र नहीं आती थी। अब देखें यहाँ पे वैरानियाँ, सनसानियाँ, यहाँ पर जब आप पहुँचते थे यहाँ पर आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते थे क्योंकि आपको पीछे से गार्ड सीटी मार रहे होते थे कि आप आगे चलें। जो लोग यहाँ पे नीचे जाते थे वहाँ तो उनकी पार्किंग हो जाती थी। काफ़ी से लोग यहाँ पे इस्लामाबाद के जो लोग मुकामी हैं वो यहाँ पे चाय पीने के लिए आ जाते थे ऊपर, और बड़ा एक अच्छा व्यू मिल जाता था उनको। पूरा इस्लामाबाद देखें आपके कदमों में था। यहाँ से आप वो देखें सामने आपको एक सेंट्रल स्कूल बिल्डिंग नज़र आ रही है, इस तरफ रावल झील, पूरा इस्लामाबाद यहाँ से नज़र आता है। हर अरूज को जवाल है और जवाल के बाद फिर नई जिंदगी और फिर वही रौनकें हैं। अल्लाह हाफिज़।